नमस्कार प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 70 इंग्लिश क्लास 10। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट बुक है, चैप्टर 10 है, द सर्मन एट बनारस चैप्टर का नाम है। तो गौतम बुद्ध की कहानी है इसके अंदर, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध आपने नाम सुना होगा। 1563 BC बिफोर क्राइस्ट, यानी ईस्वी जो चल रही है आपकी, जो 2020 चल रहा है ना, उससे भी 563 साल पहले, जो 2020 होगा उससे भी 563 साल पहले उनका जन्म हुआ था। और 483 दिख रहा है, बैक काउंटिंग एक्चुअली नहीं, नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जा रहे हैं, यानी जो ईसा जब से शुरू हुआ उससे भी 563 साल पहले उनका जन्म हुआ था और इतने साल तक वो जिंदा रहे। तो वो एक उनके लाइफ स्टार्ट हुई थी, गौतम बुद्ध एक राजकुमार थे और उनका नाम सिद्धार्थ बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम था, नॉर्थ इंडिया के राजकुमार थे। एट 12 ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग, 12 साल की उम्र में ही उनको जो है मतलब स्कूलिंग के लिए भेजा गया। इन हिंदू सीक्रेट स्क्रिप्चर्स एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम, 4 साल तक वो रहे वहां पे, कौन, गौतम बुद्ध। ठीक है, तो 12 साल की एज में उनको स्कूल के लिए भेजा गया कि भी स्कूली शिक्षा ले लें, उसके बाद वो 4 साल के बाद ही रिटर्न होम, वो अपने घर वापस आए। टू मैरी अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी से शादी हो गई, तो 16 साल की उम्र में एक तरह से शादी हो गई, 12 और 4 16 ही तो होता है। देन हैड अ सन एंड लिव्ड विद 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी, मतलब 10 साल तक उनका एक बेटा हुआ और 10 साल तक वो ऐसे राजकुमारों की तरह, राजाओं की तरह रहते थे। एट द एज ऑफ 25, अब 25 की एज आ गई, द प्रिंस जो राजकुमार थे सिद्धार्थ बुद्धा, सिद्धार्थ गौतम, हेयरफोर शील्डेड फ्रॉम सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, अब उनको दुनिया के दुख दिखे, आज तक उनको उनके परिवार वाले का दुख नहीं दिखाया था, दुख क्या चीज होता, हमेशा खुश रहते थे और उनके सामने दुख जैसी कोई चीज लाई नहीं जाती थी, कोई बूढ़ा इंसान नहीं लाया जाता था, कोई बीमार इंसान उनके सामने नहीं लाया जाता था, इवन कि कोई अगर मर गया है तो उसका जो डेड बॉडी का फ्यूनरल होता है, मतलब जलाया जा रहा है, तो वो सभी उनके सामने कभी आज तक हुआ ही नहीं था 25 साल की एज तक। तो सोचिए कि उनको पता ही नहीं था कि दुख क्या होता है। ठीक है, तो जब 25 साल की बात, उन्होंने दुनिया का दुख पहली बार देखा, उन्होंने देखा एक शिकार पे गए थे, एक बीमार आदमी को देखा पहली बार, एक बीमार आदमी, उसके बाद एक बूढ़ा आदमी देखा, तब उन्हें दिखा पहली बार जो जिस चीज से उनके परिवार वाले दूर रख रहे थे, एक भविष्यवाणी थी एक तरह से कि वो जो है बुद्ध बन जाएंगे, घर छोड़ देंगे, तो जिस चीज से उनके परिवार वाले दूर रख रहे थे वो उन्होंने आखिरकार देख ही लिया, बीमार आदमी। ठीक है, तो वो सोच रहे बीमार मतलब ये क्यों है, ऐसा क्यों चल रहा है बंदा, क्योंकि वो बीमार था, वो तो और लोगों के लिए कॉमन है लेकिन उनके लिए अजीब बात थी, बूढ़ा इंसान उन्होंने पहली बार देखा, और किसी का फ्यूनरल प्रोसेशन यानी जो दाह संस्कार की प्रक्रिया होती है वो पहली बार देखा उन्होंने। फाइनली एक मॉन्क को, एक भिक्षुक को देखा, 4 चीजें देखिए, सिक मैन, एज्ड मैन, फ्यूनरल प्रोसेशन एंड एक मॉन्क भिक्षुक जो कि भिक्षा मांग रहा है। दीस साइड्स, ये सब चीजों को देख के वो इतने मूव हुए, इतने प्रभावित हुए कि ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सी, घर से निकल गए, घर छोड़ दिया उन्होंने, दुनिया की सैर करने निकल गए, यहाँ वहां घूम रहे एनलाइटनमेंट, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि आखिर है क्या, ज्ञान क्या है, दुख क्या है, चीजें होती क्या है। He wandered for 7 years, 7 साल तक इधर उधर घूमते रहे and finally sat down under a पीपल tree, पीपल पेड़ था उसके नीचे बैठे। He walked to stay until another, वहां पे वो रहे, ज्ञान ध्यान मेडिटेशन करते रहे जब तक उन्हें एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान प्राप्ति ना हो गई। एनलाइटन आफ्टर 7 years, 7 साल के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और जब ज्ञान प्राप्त हुआ ही renamed that tree बोधि, उस पेड़ को जिस पेड़ के नीचे उन्होंने किया था पीपल का पेड़ था ना, उस पेड़ को बोधि पेड़ कहा गया, ट्री ऑफ विजडम यानी ज्ञान का पेड़, बुद्धिमानी का पेड़। एंड बिगिन टू टीच, और उन्होंने अब अपने उपदेश देने स्टार्ट किए, टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, जो उनको नया ज्ञान प्राप्त हुआ उन्होंने लोगों में भी शेयर किया। एट दैट पॉइंट ही केम टू नो नोन एज बुद्धा, और उसी समय उनको बुद्धा कहा गया, उनका नाम बुद्धा पड़ गया, गौतम बुद्ध, अवेकन या एनलाइटेड, जिनको ज्ञान प्राप्त हो चुका। बुद्धा प्रीच फॉर हिज फर्स्ट सर्मन, अपना उपदेश, पहला उपदेश बुद्धा ने एट सिटी ऑफ बनारस में दिया, इसीलिए चैप्टर का नाम है सर्मन एट बनारस। ठीक है, तो पहला ही उपदेश उनका जो था, पहला प्रवचन था, उन्होंने बनारस में दिया। मोस्ट होली, सबसे पवित्र जगह बनारस को कही जाती है, द डीपिंग प्लेस ऑफ रिवर गंगा, गंगा जी नदी वहीं पे है, पवित्र नदी है, तो इसलिए उस जगह को पवित्र जगह कहा जाता है, होली प्लेस कहा जाता है। दैट सर्मन हैड बीन प्रिजर्व, उस उपदेश को प्रिजर्व कर लिया गया,
एंड इज गिवन हियर, और उसी को यहाँ पर बताया भी जा रहा है। इसमें बुद्धा के जो विजडम अबाउट द इनस्क्रूटेबल किंग ऑफ सफरिंग, ये सब चीजें बताई गई किस तरह से। पार्ट ऑफ ये चैप्टर है, तो इसमें आज के चैप्टर में इतना ही बताया गया पार्ट ऑफ द चैप्टर कि उनको ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। आइए कहानी देखेंगे, चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन के आंसर। पहला क्वेश्चन है, विच वर्ड डज एनलाइटनमेंट नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू या नॉट सिनोनिम्स, यानी एनलाइटनमेंट का सिनोनिम सेम मीनिंग कौन सा नहीं है इनमें से। पहला पढ़ते हैं, द शेड ऑफ बीइंग एनलाइटेड, यानी ये तो हो सकता है ज्ञान प्राप्त, अवेकनिंग जान जाना, रिफाइनमेंट भी कुछ ऐसा, इग्नोरेंस इग्नोरेंस ज्ञान देखा करना, तो यही तो है जिसका सिनोनिम्स नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन टू, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू, मतलब वो कौन से ऑप्शन जो ट्रू नहीं है अबाउट द लाइफ ऑफ गौतम, जो ऊपर अभी आए थे हमारा जो पार्ट ऑफ स्टोरी था। चलिए इसको भी देखते हैं, ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ रॉयलिटी थ्रू आउट, पूरी जिंदगी वो रॉयलिटी की लाइफ में थे, राजा महाराजा की जिंदगी थी नहीं, 25 साल की एज में तो वो घर छोड़ जाता ना उन्होंने, तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, इसको हम क्रॉस लगाते हैं, तो इसको हमें ध्यान में एक इसको लेना है। ही इज नोन एज बुद्धा द अवेकन, उनको बुद्धा के नाम से बुलाया गया कि जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ये तो ट्रू है, ये ट्रू इसको हम नहीं ले सकते। ही प्रीच हिज फर्स्ट सर्मन एट बंगाल, बंगाल में दिया था नहीं, बनारस में दिया था ना, चैप्टर का नाम ही वही है, तो ये भी ट्रू नहीं है, इसको भी हम लेंगे, 1-3 हो गया ना। नाउ नेक्स्ट, He left his family and all the worldly pleasures, जो भी अपने परिवार को दुनिया का जितने भी सुख चीजें थी वो सब कुछ छोड़ दिया ज्ञान की प्राप्ति, ये तो ट्रू है क्योंकि उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। एट द एज ऑफ 15 ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग, स्कूलिंग के लिए कब गए थे वो हमें याद है शायद 12 साल की एज में गए थे है ना, देखिए 12 साल लिखा ना, एट 12 ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी ट्रू नहीं है, ये भी ले लेते हैं, तो 1-3-5 कहीं है, यस बी ऑप्शन है हमारे पास ना। अकॉर्डिंग टू द, और ये 1-3-5 इसलिए बता रहे हैं जो कि ट्रू नहीं है, ध्यान देना इसके ऊपर। अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट बुद्धा चूज बनारस सिटी, जो ऊपर चैप्टर का पार्ट है उसमें बुद्धा ने बनारस को ही चुना था ना अपना उपदेश देने के लिए, पहला उपदेश सरमन जो है उपदेश देने के लिए, स्पीच जो उनके टीचिंग थी, बिकॉज इट वॉज हिज बर्थ प्लेस, क्या उनका बर्थ प्लेस था, नहीं, ही लाइक दिस प्लेस, इस प्लेस को पसंद करते थे, या इट वॉज द मोस्ट होली ऑफ द डीपिंग प्लेस, यस ये ही था, ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल तो था ही लेकिन आंसर तो यही है, वहां पे पवित्र नदी गंगा थी और ये था, तो ये आंसर सी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड बुद्धा कम टू नोन, मतलब गौतम को बुद्धा कब से जाना जाने लगा, आंसर 4 का आंसर है, क्वेश्चन 4 का, सिद्धार्थ वांडर्ड फॉर अबाउट 7 years, 7 साल तक घूमते रहे, एक दिन सीटेड बिनेट द बोधी ट्री, बोधी ट्री यानी ट्री ऑफ अवेकनिंग, जिसे ज्ञान का पेड़ कहते हैं, उसके नीचे बैठे थे, सिद्धार्थ को डीपली एब्जॉर्ब इन मेडिटेशन, वो मेडिटेशन ध्यान में चले गए, और उसको उनको फिर उस समय लाइफ का एक्सपीरियंस हुआ, डिटरमाइंड टू पेनेट्रेट इट्स ट्रूथ, तब उन्होंने सच जाना कि सच क्या होता है, लाइफ क्या है, जीवन क्या है, और फाइनली उनको एनलाइटमेंट ज्ञान की प्राप्ति हुई, और तब से उनका नाम बुद्धा गौतम बुद्ध पड़ गया। क्वेश्चन 4 हो गया, क्वेश्चन 5, व्हाट मेड बुद्धा मूव आउट, किस वजह से बुद्ध जो है ज्ञान की खोज में, सीख में, सीख एनलाइन होता है ज्ञान की खोज में, दुनिया में निकल चुके थे अपने घर से, देखिए 25 साल की एज में वाइल्ड हंटिंग, वो हंट करने गए थे, शिकार करने गए थे ना, वन डे बुद्धा साहब उन्होंने देख लिया कि एक बीमार आदमी, फिर एक ओल्ड एज आदमी को देखा, फिर एक फ्यूनरल प्रोसेशन, किसी के जलने के बाद मरने के बाद भी प्रक्रिया होती है उसको देख लिया, फाइनली एक मॉन्क भिक्षु को देख लिया भिक्षा मांगते समय, इन सब चीजों से मूव्ड हिम सो मच, दीज ये जो चीजें थी उससे उनको बहुत प्रभावित हुए, और ही वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट, दुनिया में निकल चुके थे वो ज्ञान की खोज में, कि ज्ञान है क्या, दुनिया क्या है, वर्ल्ड क्या है, या जीवन क्या है, ये सब की खोज में निकल चुके थे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में, कि सिद्धार्थ का, गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस क्या था, क्योंकि ये टॉपिक में आया नहीं है तो इंटरेस्टिंग हो गया कि आप इसको जरूर सर्च करेंगे या अपने बुक से बताएंगे कि इनका बर्थ प्लेस कौन सी जगह थी, कमेंट जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, शेयर और सब्सक्राइब भी प्लीज जरूर कीजिएगा।